आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। स्विट्जरलैंड पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी, जैविक कृषि अनुसंधान संस्था का किया भ्रमण, संस्था के निदेशक ने कृषि मंत्री का किया स्वागत। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी, बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, भूस्खलन के चलते 166 सड़कें हुई बंद। लालकुआ में सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों ने दिया धरना, नेता प्रतिपक्ष के ने प्रदर्शनकारियों को दिया समर्थन, एचआर मैनेजर को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग। मसूरी देहरादून मार्ग 2 घंटे तक रहा बाधित, सड़क पर जगह जगह आया मलबा, जेसीबी की मदद से खुलवाया गया मार्ग। देवप्रयाग में सेल्फी लेने के दौरान खाई में गिरी महिला, एसडीआरएफ की टीम ने खाई से शव को किया बरामद, केदारनाथ धाम की यात्रा से घर हो रही थी वापस। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। रुक कर दे खबरों की ओर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशासन, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं IRDT सभागार सर्विस चौक देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और उसमें सभी विभागों का योगदान रहेगा। यहां पर भी जैसे विजिलेंस विभाग है, विजिलेंस विभाग के साथ अन्य विभागों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अपने आप में कोई भी विभाग संपूर्ण नहीं होता है। एक विभाग हो या एक व्यक्ति हो, वो अपने आप में सारे काम नहीं कर सकता। जब तक वो उसको सभी उस संस्था को उस व्यक्ति को जब तक सबका सहयोग प्राप्त न हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा विजिलेंस विभाग सबका सहयोग लेकर इसी प्रकार से पूरी देवभूमि को भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि बनाने का काम करेगा। ये केवल हमारा औपचारिक कार्यक्रम न हो, ये कोई 1064, ये केवल एक नंबर जारी हुआ है, ऐसा औपचारिक न हो। जैसे आज देश के अंदर देखिए, हमारी बहुत संस्थाएं चल रही इस क्षेत्र में, आज ईडी का काम देख ही रहे होंगे, रोज हल्ला मच रहा है और लोग घबरा रहे हैं। ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर, लेकिन जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसने कोई खराब काम नहीं किया है, उसको ईडी से भी डरने की जरूरत नहीं है, सीबीआई से भी डरने की जरूरत नहीं है। भाई कोई गलत आदमी होगा तो उसको कौन बचा पाएगा, कुछ दिन तक रोका जा सकता है लेकिन लंबे समय तक उसको बचाया नहीं जा सकता है। और कोई गलत आदमी सही आदमी होगा तो सही आदमी को फंसाया नहीं जा सकता, क्यों प्रसाद साहब, सही है ना? तो सही आदमी को फंसाया नहीं जा सकता, गलत आदमी को बचाया नहीं जा सकता। ईडी जैसी संस्था, लोग घबराते हैं, घबराता कौन है भाई, किसके मन में होता है जिसने कुछ गड़बड़ किया होता है, जिसने गड़बड़ी नहीं किया है तो वो क्यों घबराएगा किसी से। उसके लिए जो हमारा विजिलेंस है, जैसा अभी इन्होंने अमित जी ने यहां पर कहा कि इसका पुनर्गठन होना चाहिए, मैं मानता हूं कि इसको हम बहुत सशक्त बनाएंगे और इसके लिए जो भी इसके पुनर्गठन के लिए जरूरी होगा, इसके ढांचे को बढ़ाया जाएगा, इसकी अन्य सुविधाओं को बनाया जाएगा। मैडम इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारी ही सरकार ने पिछले दिनों पुलिस के अंदर जो बहुत सारे काम होते थे, उन कामों के लिए पुलिस को
कहीं किसी से गाड़ी मांगनी पड़ती थी, कहीं किसी से साधन मांगने पड़ते थे, तो उसके लिए एक फंड की व्यवस्था करी गई थी, जो एक बहुत अच्छा काम था, स्वागत युग के कदम था। उसी प्रकार से विजिलेंस में भी एक फंड की व्यवस्था, हाँ, रिवॉल्विंग फंड 2 करोड़ रुपए की धनराशि उसके लिए जो है बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो विजिलेंस के अंदर काम करने वाले अच्छे अधिकारी हैं हमारे, जो मेहनत से काम करते हैं, परिश्रम से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, पूर्ण मनोयोग के साथ जो काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन की एक धनराशि की भी दी जाएगी। वो प्रोत्साहन की धनराशि केवल राशि नहीं होगी, वो राशि इसलिए होगी कि वो आगे और अच्छा काम करे, उनको देखकर और लोग अच्छे प्रेरित हों। उसके लिए यह भी व्यवस्था हम लोगों की तरफ से, यहां से सरकार की तरफ से किया जाएगा, उनका प्रोत्साहन किया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो विजिलेंस का जो विभाग है वो ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित करे, जो लोग जिनको अभी मेरे हाथों आपने यहां से सम्मानित करवाया, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस पुनीत कार्य में भ्रष्टाचार रोकने में, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को बनाने में, पारदर्शी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में जो काम किया है। और कितने साल बाद ये धनराशि वापस हो रही थी आज, मैं आज ये घोषणा करता हूं कि ये धनराशि 15 दिनों के अंदर वापस की जाएगी। तो 15 दिनों जो भी इस कार्य में उसी में से हो जाएगा, 15 दिन में धनराशि वापस की जाएगी। देखिए, हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि, इसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। हमारे पास बहुत सारी शिकायतें इसमें 1064 में आ रही हैं, और बहुत सारी वो भ्रष्टाचार से संबंधित भी नहीं है। तो उनको अभी रेणु जी यहां से बता रही थी कि 1905 में उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, जो 1064 में आ रही है उसकी भी समीक्षा हो रही है। और जितना जल्दी से जल्दी निस्तारण हो, वो हमारी प्रतिबद्धता को और हमारी जो डिग्निटी है उसको बढ़ाने का काम करे। दल के ने बैठक के बाद संस्था में कृषि और पशु विज्ञान से संबंधित तकनीकों का फील्ड भ्रमण भी किया। तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सिक्किम के कृषि मंत्री लोकनाथ शर्मा, कर्नाटका के कृषि मंत्री बीसी पाटिल और संस्था की समस्त टीम को उत्तराखंडी टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया। कार्यरत श्रमिकों को सेंचुरी मिल से बाहर किए जाने के आक्रोशित श्रमिक पिछले एक हफ्ते से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य द्वारा भी धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया गया। सेंचुरी मिल द्वारा न सुने जाने पर श्रमिकों और उनके समर्थन में आए जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन करते हुए शहीद स्मारक से सेंचुरी पेपर मिल के मुख्य द्वार तक जुलूस निकालकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सेंचुरी पेपर मिल के सुरक्षाकर्मियों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने गेट पर ही धरना शुरू कर दिया। तो वहीं जनसभा की घंटों चले प्रदर्शन के बाद मिल के एचआर मैनेजर संजय कुमार वाजपेयी ने गेट पर आकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पेपर मिल द्वारा कार्य कर रहे श्रमिकों को नहीं निकाला गया है, अगर इस मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी है तो उसका निराकरण कर लिया जाएगा। जिसके बाद आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने मिल के एचआर मैनेजर को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिनों में समाधान किए जाने की मांग भी की है।
बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह मलबा आ गया है। तो वहीं घनानंद इंटर कॉलेज के पास एक पेड़ गिरने से मसूरी देहरादून मार्ग लगभग 2 घंटे के लिए बाधित हो गया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन से काफी मशक्कत के बाद मार्ग खोला गया। मौके पर नायब तहसीलदार अग्निशमन की टीम ने पहुंचकर मार्ग को खोलने में मदद की। नायब तहसीलदार भोपाल सिंह चौहान ने बताया कि सूचना मिली कि मसूरी देहरादून मार्ग पर घनानंद इंटर कॉलेज के नीचे एक बड़ा पेड़ गिरकर सड़क पर आ गया है, जिससे कि मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। उन्होंने मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात कर मार्ग खोलने को कहा, तो वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर मार्ग को खोला गया। अभी करीब 1 घंटा पहले मुझे सूचना मिली थी पीडब्ल्यूडी से, यहाँ पर घनानंद कॉलेज के पास ही रोड पेड़ गिर गया, रोड बंद हो गई है। मैं तुरंत मौके पे आया हूँ। मैंने फॉरेस्ट विभाग को सूचना की है, बिजली विभाग को सूचना की है, बिजली विभाग ने लाइन हटाई है, लाइन मतलब बिजली को बंद किया है और फायर को बुलाया है और फायर से जो है ये पेड़ अभी हमने कटवा दिया है जेसीबी की मदद से, और फायर की मदद से जो है रोड को खुला दिया है सुचारू रूप से। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। प्रदेश भूस्खलन के चलते 166 सड़कें जो है वो बंद है। पर्वतीय जनपदों में गर्जन के साथ तीव्र बौछार पड़ सकती है। तो देहरादून में गदेरे की चपेट में स्कूटी सवार जो है वो लापता हो गए हैं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया और टीवी के 82 के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो वहीं एसबीआई बैंक मैनेजर की इसमें मौत हुई है। तो बारिश से लगातार जो है अस्त व्यस्त जीवन हो चुका है, और ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। ऐसे में आपको खबर बता दें, जो है एक स्कूटी सवार जो है वो गदेरे की चपेट में आ गया। तो वही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ और लगातार स्कूटी सवार की तलाश जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि टिहरी के 82 के पास भी एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें एसबीआई बैंक मैनेजर की मौत हो गई है। वहीं इसी खबर पर ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, सबसे पहले आप तो जानना चाहेंगे, लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और ऐसे में जो वहां का जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? हाँ, जागृति कहें तो लगातार जब से मानसून सीजन हुआ है तब से कहीं ना कहीं लगातार छुटपुट घटनाएं तो जारी है। लेकिन अब अगर हम कल की बात करें तो देहरादून की बात करें, यहाँ रायपुर में एक स्कूटी जो थी वो कहीं ना कहीं गदेरे में मिस हो गई, अभी तक पता नहीं चल रहा, खुद उसको ढूंढने का प्रयास किया जा लगे हैं। साथ ही अगर हम धारचूला की बात करें तो एक जवान वो कहीं मलबे में दब गया जो ऊपर से भूस्खलन हुआ। और साथ ही अगर हम कल देर रात की बात कहें तो देवप्रयाग से पहले 82 के पास एक गाड़ी ज्यादा बारिश होने के कारण वो नीचे चली गई, जिसमें बैंक के जो मैनेजर थे कर्मी उनकी डेथ हो गई है। तो कुल मिला के लगातार कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं जारी हैं और लगभग हम कहें तो अभी भी 160 से ऊपर सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं, जिसको लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारा सबसे बड़ी बात है, जो हमारा प्रदेश है उसका भौगोलिक परिस्थिति सबसे अलग है, क्योंकि अगर हम 13 जिले इस प्रदेश में हमारे हैं उसमें से लगभग 10 जिले जो ऐसे हैं वो पूरे पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब पर्वतीय क्षेत्र में है तो दिक्कतें ज्यादा होती हैं, ज्यादा नुकसान जो होता है बारिश का इन्हीं क्षेत्रों में होता है, क्योंकि सुविधाएं कम होती हैं और वहां जो है जनसंख्या भी कम होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए ये बड़ी दिक्कतें हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में जो ज्यादा नुकसान होता है उसको कैसे रोका जा सके, क्योंकि मानसून जब आता है तो इसकी तैयारी पहले ही कर जाती है और समय समय पर इसकी अपडेट भी चलती रहती है। साथ ही मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले डेली मौसम विभाग की अपडेट आते कि किन किन जिलों में ज्यादा बारिश होने वाली है और कहां ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसको लेकर भी लगातार जिला स्तर की टीमों, तहसील सिस्टम और जो अन्य टीमें से जुड़ी हुई है वो लगातार सक्रिय हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कल और आज की बात करें तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें 3-4 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। जी,
बिल्कुल कमल जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, खबर आ रही है कि देहरादून से भी जो है गधेरे की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार जो है वो लापता चला और एसडीआरएफ टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चलाए हुए, क्या कुछ इसमें जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल जागृति, में कहें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब ये मानसून सीजन आता है, जो गधेरे होते हैं, जो बरसाती नाले होते हैं, बरसाती नदियां होती हैं, यहाँ कहीं ना कहीं चला आ जाता है ज्यादा से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, किसी टाइम पता नहीं चलता है कि आप जब उस गधेरों को या नदियों को जो बरसाती होती है उसको आप कहीं क्रॉस कर रहे हो तो एकदम ज्यादा चलाता है, और क्रॉस करते चलते कहीं ना कहीं जो घटना होती है बहुत बड़ी उसमें तब्दील हो जाती है। और वही स्थिति यहाँ पर है, जब स्कूटी वाला उसको पार करने का प्रयास किया गया और वो मिस हो गया, अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। तो प्रयास किया जा रहा है, देखो कहाँ, क्योंकि तेज भाव एकदम आया और वो कहाँ निकल गया, अब इसके प्रयास किए जा रहे हैं। वही मैंने आपको बताया कि धारचूला में एक घटना हुई है, जो एक जवान था आर्मी का, वो जा रहा था तो एकदम ऊपर से इतना भूस्खलन आया और ऊपर से इतना पत्थर और पहाड़ी टुकड़ा गिरा जिससे वहीं की वहीं डेथ हो गई है। ऐसी घटना हमने बताया कि देवप्रयाग बयासी में भी हुई है। तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो लगातार हमें भी चौकस रहना है कि राज्य सरकारें भी लगातार कहती रहती हैं कि हम तो प्रयास कर ही रहे हैं कि इन जैसी घटनाओं को रोका जा सके, और लेकिन जनता को भी और जो ये लोग जा रहे हैं रोड पे चल रहे हैं उनको भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जिससे वो भी उनकी अपनी बचत हो सके, ध्यान रखा जाए। क्योंकि मानसून सीजन जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं पर्वतीय क्षेत्र की जो बात करें तो वो लगातार बनी रहती है। जी बिल्कुल कमल शर्मा जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से नदी नाले जो है वो उफान पर, और ऐसे में जो नदी के पास वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी कई जो लोग हैं वो रहते हैं, तो उनको प्रशासन किस तरह से जागरूक करता नजर आ रहा है या उनके रेस्क्यू के लिए किस तरह से जो है कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ जागृति, मैंने आपको कहा कि डेली अगर हम कहें तो कल की जो अपडेट है वो आज देर शाम आ जाएगी, तो डेली अपडेट मौसम विभाग की आती रहती है कि कहाँ ज्यादा बारिश हो सकती है, किस एरिया में ज्यादा हो सकती है, किन जिलों में ज्यादा हो सकती है, किस प्रकार की आपको प्राथमिकताएं रखनी है वहां पर। और मैंने बताया कि ऐसा नहीं है अगर पूरे जिले की आ गई तो पूरा जिले में बारिश ज्यादा होगी, कहीं जगह ऐसा भी होता है कि पूरे जिले का अपडेट मानसून का है उसमें कि ज्यादा बारिश होगी, लेकिन कहीं तहसीलें और कहीं चीजें भी ऐसी रह जाती हैं। तो कुल मिला के प्रयास जरूर किया जाता है, लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा जाता है कि आप ध्यान रखें, आप जहां भी जाएं सड़कों की ज्यादा देखभाल के जाएं कि कहीं भी भूस्खलन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की दिक्कतें आती रहती हैं। लोग भी प्रयास करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो घटना जरूर हो जाती है। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो प्रयास जरूर किया जा रहा है लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पहले से सब रोकने का प्रयास करती हैं लेकिन फिर भी घटना। और सबसे बड़ी बात मैं इस बार बताऊं, पिछले वर्षों की अपेक्षा अगर हम कहें तो इस बार उत्तराखंड में कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई, जैसे बादल फटने की घटना होती है, लोग घर दब जाते हैं, काफी कैजुअल्टियां हो जाती हैं, मवेशी बह जाते हैं, कोई इस प्रकार की अभी तक कहें तो कोई बादल फटने की घटना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाओं से कहीं ना कहीं इक्का दुक्का लोगों की कैजुअल्टी होती रहती है। जी बिल्कुल कमल शर्मा जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो लोग हैं वो चारधाम यात्रा पर भी जा रहे हैं, हालांकि लोगों की जो श्रद्धालुओं की जो तादाद है उसमें कमी जरूर आई है लेकिन फिर भी कई ऐसे यात्री हैं जो अभी भी चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं, तो उनको किस तरह से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और उनकी जो यात्रा है उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना आए उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी जागृति, अगर कहें तो सबसे बड़ी स्थिति यही बनी हुई है, अगर हम कहें चारधाम यात्रा की बात करें तो जब यात्रा मई में खुली स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी चारधाम यात्रा की, और मई और जून ये स्थिति थी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लोग वेटिंग में थे, इतने लगभग 50-60 हजार के अधिक लोग यात्री जा रहे थे। तो अब जो हम कहें जैसे मानसून सीजन स्टार्ट हुआ जुलाई कह रहे हैं तो स्थिति बहुत कम उस पर गिनती संख्या में आ गई है, क्योंकि अगर हम कहें बद्रीनाथ यात्रा भी कहें तो जो रूट है वो पिछले 3-4 दिन से अभी बंद पड़ा हुआ है, नहीं खुल पाया, क्योंकि जोशीमठ से आगे जो लाम पकड़ की जो स्थिति है वो काफी खराब है, प्रयास किया जा रहा है खोलने का लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है। वही हम बात करें यमुनोत्री जो मार्ग बंद था वो कहीं ना कहीं अब खोल दिया गया है, गंगोत्री की बात करें और साथ ही केदारनाथ की, वो भी खुला हुआ है, पर कहीं ना कहीं मानसून जो है ये बहुत बड़ा एक बाधा पड़ा है, लोग बड़ा डर के बड़ा संभल के आ रहे हैं और बहुत कम संख्या में चारधाम यात्रा चल रही है। तो कुल मिला के सरकार भी यही कहती है कि जब तक बारिश का सीजन है, मानसून है, ज्यादातर दिक्कतें बारिश आ रही है, आप भी सुरक्षित रहिए, आप बिल्कुल भी ना आए तो पूरा अपडेट होके आए कि कहीं किसी प्रकार का आपको कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि आज की तारीख में हम कहें तो लगभग 160 से ऊपर रोडें अभी भी ब्लॉक बंद पड़ी हैं और लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे रोडें खोलते हैं दूसरी रोड बंद हो जाती है, तीसरी बंद हो जाती है, एक खुलती है, तो लगातार
यही प्रयास रहता है कि ऐसी स्थिति ना बने जिसे लोगों को दिखते हुए सामना पड़े। तो कुल मिला के कहें जिला प्रशासन राज्य सरकार लगातार सतर्क रहते हैं और चार धाम की अपनी यात्रा कही तो कुल मिला के बहुत कम संख्या में लोग जा रहे हैं, लेकिन कुछ संख्या में धीरे धीरे यात्रा अभी भी चल रही है। जी बिल्कुल कमल शर्मा जी, जिस तरह से बारिश जो है वो किसानों की फसलों के लिए फायदेमंद तो मानी जाती है, लेकिन भारी बारिश से जो किसानों की फसलें हैं वो भी प्रभावित होती है, और ऐसे में किसानों का क्या कुछ कहना है? हाँ, जागृति कहें तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी राज्य की जो स्थिति है बड़ी भौगोलिक स्थिति वो सबसे विपरीत है, क्योंकि यहाँ अगर हम कहें तो लगभग 10 जिले ऐसे हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में जो खेती होती है वो काफी कम होती है, क्योंकि यहाँ इतना एक बड़े बड़े ऐसे प्लॉट्स नहीं होते या बड़ी बड़ी चीज नहीं होती जहाँ खेती की जाएगी, सीढ़ीदार होता है, वहां पर इतनी जगह नहीं होती, खेती बहुत कम होती है, फलदार ज्यादा यहाँ पर होते हैं। लेकिन हरिद्वार की बात करें हम, उधम सिंह नगर की बात करें और देहरादून डिस्ट्रिक्ट थोड़ा जो बच रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं खेती है, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं ना कहीं ज्यादा खेती को नुकसान हो रहा पड़े, क्योंकि मैंने इस बार कहा है कि बारिश इतनी नहीं है, है भी सही तो पर्वतीय क्षेत्र में उसका कहीं नुकसान नीचे मैदानी क्षेत्रों में आता है, पर फिर भी किसानों का जो फसल है वो फिर भी बचाव है। अब आगे देखिए क्या हालत होती है, फिलहाल जो स्थिति है वो एक तरह से सामान्य है, इतनी नहीं है। अगर हम कल देर रात की बात करें तो लगातार देहरादून की बात करें या अन्य पर्वतीय जिलों की बात करें तो देर रात काफी बारिश होती रही, लेकिन सुबह अगर 8-10 बजे की बात करें तो मौसम कहीं जगह खुल भी गया और कहीं जगह अभी बारिश हो रही है। तो कुल मिला के कहें स्थिति अभी सामान्य, ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि ना ज्यादा कई फसलों को इतना नुकसान हो रहा हो। जी बिल्कुल, और आगे आने वाले समय में मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, आगे आने वाले समय में मौसम कैसा रहने वाला है? बिल्कुल सही बात है जगती, हम लगातार मैंने आपको कहा कि जो मौसम की अपडेट होती है वो एक दिन पहले आ जाती है, जैसे आज बैठने से आज बुधवार है तो बृहस्पतिवार की अगर हम कहें तो मौसम अपडेट देर शाम तक आ जाएगी, तो उसकी जानकारी मिलती है। तो कुल मिला के अभी मानसून का सीजन है, अगस्त में भी ये स्थिति यही बनी है कि कहीं जगह कभी येलो अलर्ट हो जाता है, कभी ऑरेंज हो जाता है, कभी रेड अलर्ट होता है, तो कुल मिला के अभी बारिश है, पर अभी मध्यम स्तर की बारिश है, कभी ऐसा भी नहीं देखा था मिला है कि इतनी बड़ी बारिश आई जो बादल वगैरह फट गए हों, पर अभी बचाव है, अभी तक आज की स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर हम आगे बात करें तो क्या स्थिति बन सकती है उस समय बताया, पर कुल मिला के मौसम की जो अपडेट है प्रतिदिन की एक दिन पहले मिल जाती है, ताकि उस हिसाब से सतर्कता बरती जा सके, उस हिसाब से ध्यान रखा जाए, उस हिसाब से जितनी भी टीमें लगी हुई हैं जो वो पूरे चौकस है कि किस जगह ज्यादा हो सकती है, ताकि वहां लोगों के लिए सुरक्षा की तरफ से लोगों को बताया जा सके, लोगों को अपडेट किया जा सके और कोई इतनी बड़ी घटना ना घटे, उसके लिए जितनी भी टीम है वो हमेशा तैयार रहे। जी बिल्कुल कमल शर्मा जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि प्रदेश में इस वक्त भूस्खलन से 166 सड़कें बंद पड़ी हुई है, और ऐसे में उनको सड़कों को खोलने का काम किस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि अगर सड़कें बंद रहेंगी तो आवागमन भी बाधित होगा, और ऐसे में खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में जो खाद्य सामग्री या जो जरूरी सामान है वो पहुंचने में भी दिक्कत होगी। बिल्कुल सही बात है, जब अभी भी कहें तो लगभग 160 से अधिक सड़कें बंद है, मैंने आपको बताया कि लगातार यहाँ पर 300 से अधिक जेसीबी मशीनें और अन्य इक्विपमेंट वगैरह और जो टीमें हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की है, नेशनल हाईवे की है, DGBR की है, इरिगेशन की है, जितने भी अलग अलग टीमें हैं वो सब लगी रहती हैं, पर कहीं बार क्या होता है कोई रोड में मलबा कम आता है, जल्दी खुल जाती है, छोटी गाड़ी खुल जाती है, बड़ी गाड़ियां रोड से नहीं खुल पाती, कहीं बार ये होता है कि बारिश चल रही होती है रोड खोलने में समय लगता है, लेकिन लगातार यही प्रयास, आज ये मान लिया आपने ये 10 सड़क 20 सड़क खुल गई तो अगली बार अगले दिन क्या होता है कि दूसरी सड़कें बंद हो जाती है, तो कुल मिला के लगातार ये स्थिति बनी हुई है, रोज अगर हम कहें तो 7.5 सड़कें बंद भी होती हैं और कुछ खोल भी देते हैं, कुछ नई सड़कें फिर खुल बंद हो जाती हैं, तो कुल मिला के लगातार ये रहता है कि किसी तरह से ये ज्यादा दिक्कतें ना आए, सड़कें ना ज्यादा देर बंद हो, लेकिन प्रशासन की टीमें लगातार प्रयास करती रहती हैं, पर अभी भी अगर हम आज की बात कहें तो लगभग 160 से अधिक छोटे हों चाहे बड़े रूट हों वो अभी भी बंद पड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमल श्री हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही देवप्रयाग थाना क्षेत्र अंतर्गत सेल्फी लेने के दौरान एक महिला की पहाड़ी से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। भारी बारिश के बीच पुलिस और SDRF की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर महिला के शव को खाई से बाहर निकाला। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स में पहुंचाया गया है। देवप्रयाग थाना पुलिस के मुताबिक महिला का नाम प्रियंका है और वो अपने पति राहुल सैनी के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा पर गई थी। वापसी में पति पत्नी अपने घर मुरादाबाद वापस जा रहे थे। देवप्रयाग थाना क्षेत्र अंतर्गत
सौड पानी के पास कार रोककर पति सिगरेट पीने के लिए सड़क पर उतरा गया और इस दौरान पत्नी जो है वो खाई की ओर खड़े होकर सेल्फी लेने लगी तो ये अचानक पैर फिसला और महिला पहाड़ी से खाई में जा गिरी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहीं पूरी रात भारी बारिश के बीच खाई में जाकर एसडीआरएफ ने महिला को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। सुबह एसडीआरएफ की टीम ने महिला का शव खाई से बरामद कर लिया। कड़ी मशक्कत के बाद शव को खाई से बाहर निकालकर सड़क तक लाया गया जिसके बाद एम्बुलेंस से शव को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स भेजा गया। देवप्रयाग थाना प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा और एसडीआरएफ के निरीक्षक कविंद्र सचवाण ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।